हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ प्रिंटर के ऊपर। हालांकि प्रिंटर शॉर्ट में मैं आपके साथ पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी थी डिटेल में। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। प्रिंटर मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रिंट आउट इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको दिखाई देती है, और अगर आपको पेपर पर चाहिए तो वो किसके थ्रू आपकी होगी, प्रिंटर के थ्रू, ठीक है। तो जब द आउटपुट ऑन अ पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी, मैंने ये बात पहले ही बताई थी अपनी वीडियो में। हार्ड कॉपी क्या होता है, जो आउटपुट आपका पेपर पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो आपके सिस्टम में आपको दिखाई देता है, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। अगर आप सीडी में ले लो, पेन ड्राइव में ले लो, तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी हुआ, और जब आप उसको पेपर पर प्रिंट करा देंगे, दैट इज योर हार्ड कॉपी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसा कि क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो मैं 9th वाले बच्चों को, 10th को वीडियोस दे रही हूँ। पहले क्या था कि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, तो जो टॉपिक्स बेसिकली जो बेसिक थे वो मैंने कराए थे, लेकिन अब थोड़ा बुक चेंज हुई हैं तो कुछ टॉपिक्स मतलब हैं तो सेम, बट कुछ इसमें कम हैं तो उसमें ज़्यादा थे। मैंने जो वीडियोस हैं उसमें ज़्यादा नॉलेज दी है, मीन्स ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए हैं, इवन देन आपकी जो ये वाली बुक है जो अब आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको एक बार बुक की भी दिखा देती हूँ। ये आपकी बुक है कंप्यूटर साइंस, जो हम पढ़ रहे हैं एसआर अरोड़ा की, राजीव शर्मा हर सेक्शन है, क्लास 9th, और जो मैंने पहले की थी वो एचएम पब्लिकेशन की थी, ठीक है। एचएम पब्लिकेशन से मैंने कराया था, उसमें मैं वैसे कंपेयर करूँ तो एचएम पब्लिकेशन जो पहले बुक थी है तो वो इस बार भी, और एचएम पब्लिकेशन ये भी है, बट इन्होंने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है, है ये भी एचएम पब्लिकेशन की, बट कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने। तो मैं तो आपको समझ रहा हूँ, मेरे को तो पहली बुक ज़्यादा अच्छी लगी थी एज़ कंपेरिजन टू दिस, लेकिन अब वो है नहीं अवेलेबल, और इन्होंने इसी में ही काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े कम कर दिए हैं। बट अगर मैं आपको जो भी वीडियो के लिंक दूँ, क्लास 9th हो या 10th हो, सो प्लीज़ आप उनको ज़रूर कीजिएगा और अपनी कॉपी में उतारिएगा, क्योंकि मैं अब अधिकतर जब पेपर बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में जो भी मैं कराती हूँ वो सब देती हूँ, चाहे वो आपकी बुक में हो या ना हो। सो आप, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी इस बुक के अकॉर्डिंग, और जो पहली बुक थी उसके अकॉर्डिंग तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए प्रिंटर पढ़ते हैं। बताया था आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर होता है बेटा, ये आपकी टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी कैटेगरीज डिवाइडेड, ठीक है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, तो दो कैटेगरी में होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पहले बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर में बैठो, देखो क्या होता है इसमें ना, जैसे एक सरफेस होता है, ठीक, और मेटल पिंस होती हैं, तो जब ये प्रिंट कराते हैं तो इन दोनों के बीच, मतलब दोनों का ना आपस में इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, नॉइज होती है। द प्रिंट हैड कंटेनिंग अ नंबर ऑफ मेटल पिंस विच स्ट्राइक ऑन इंक्ड रिबन प्लेस बिटवीन द प्रिंट हैंड एंड द पेपर, मीन्स जब आप पेपर पर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो जो मेटल पिंस होती हैं, तो जब वो पेपर पर इंक होती थी, मतलब जो सरफेस पर जो हम पेपर लगा देते तो उससे उसकी नॉइज आती थी, नॉइज मतलब शोर करता था, तो ड्यू टू मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉम्पोनेंट देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज वाइल प्रिंटिंग, मतलब जिनकी प्रिंटिंग होती थी तो इस वजह से ये नॉइज करता था। नॉइज भी क्यों करता था, इसीलिए क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में पिंस लगी होती हैं, ठीक है, और जहाँ पर आप पेपर लगाते हैं, तो जब इंट्रैक्शन दोनों का होता है तो इस वजह से इसका नॉइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, एक तो लाइन प्रिंटर और एक सीरियल प्रिंटर, ठीक। बात करें लाइन प्रिंटर की, तो देखो ये हमने लिखा हुआ है, लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लाइन प्रिंटर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो चेन और एक ड्रम। ये दो एग्जांपल जो हैं वो किसके हैं, आपके लाइन प्रिंटर के, ठीक। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों एग्जांपल हैं आपके किसके, सीरियल प्रिंटर के। मीन्स इम्पैक्ट प्रिंटर को भी इन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लाइन प्रिंटर
और सीरियल प्रिंटर। एक बात और बताऊँ, ये कभी भी पेपर में फुल डिटेल में लिखने के लिए नहीं आता है। बेसिकली बस प्रिंटर पूछा जाता है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये पूछा जाता है, अधिकतर तो पूरे उसमें नहीं आता, लेकिन हमारा काम है पूरे को कवर करना। तो चलिए फटाफट से करते हैं, थोड़ा वरना लेंथ भी जाएगा। बात करें सबसे पहले लाइन प्रिंटर होते क्या है, ठीक है। तो जो दे प्रिंट वन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम, मीन्स एक टाइम पर सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करेंगे ये, ठीक है। एक जैसे हम एक साथ पूरा प्रिंट कर सकते हैं वो नहीं करते, ये एक टाइम पर एक ही बार प्रिंट करेंगे। और जिसकी रेंज होती है स्पीड 300 से 3000 पर लाइंस एक मिनट में लिखता है, 300 से 3000 लाइंस पर मिनट में होता है। और ये अधिकतर कहाँ यूज होते हैं, जहाँ हैवी लोड मतलब ज़्यादा प्रिंटिंग का काम होता है, हैवी लोड होता है, तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, चैन और ड्रम। चैन से बात करें, इसमें एक चैन लगी होती है। आपकी बुक में जैसे डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम भी साथ के साथ शो कर देती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। आपकी देखिए ये चैन, मैं यहीं से समझा देती हूँ। ये आपका देखो डायग्राम दिया हुआ है चैन प्रिंटर का, ठीक है। जिसमें चैन प्रिंटर होती है, तो देखिए चैन से समझिए, इसके चारों तरफ एक चैन होती है, ठीक है। और ये चैन रोटेट होती है चारों तरफ, क्यों, क्योंकि जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, वो पूरे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ना, छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सब में प्रिंटर्स सारे में ये कैरेक्टर प्रिंटेड होते हैं। तो ये चैन है, जब इसको हम रन कराते हैं चारों तरफ घूमती है, ठीक है, हैमर टाइप करती है। जब हैमर टाइप करती है तो नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। और ये 132 लाइंस कैरेक्टर्स पर एक ही टाइम पर लिखता है, और 400 इसमें बोला हुआ भी है 400 to 240 लाइंस पर मिनट एक लाइन में ये लिख सकता है, जिसकी रेंज होती है 400 से 2400 लाइन पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें चैन लगी होती है, तो इसकी जो नॉइज है बहुत ज़्यादा होती है, नॉइजी होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ड्रम देखिए, ड्रम से जैसे समझिए, जैसे ड्रम होता है सेम लाइक डैट, इसका भी मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ। ये देखिए, दिस इज योर ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम कैरेक्टर्स इम्बोज ऑन अ रोटेटिकल सिलेंड्रिकल ड्रम। जैसा आपका एक सिलेंडर पढ़ते हो आप, तो सिलेंडर में चारों तरफ, ठीक है, एक आपके कैरेक्टर्स रोटेट होते हैं। जब रोटेट होते हैं तो ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब सारों जितनी बार रोटेट करेगा ड्रम प्रिंटर, उतनी बार आपके कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे। करंट पोजिशन बताता है, रिबन और पेपर के बीच कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉइजी होता है। और इसमें भी 200 से 400 लाइंस पर मिनट ये प्रिंट करता है, बट ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, सीधी सी बात है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और चारों तरफ कैरेक्टर है, हैमर इसमें यूज होता है, तो इसलिए ये ड्रम प्रिंटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे पहले यूज होते थे, अब इतने यूज नहीं होते। उसके बाद करें सीरियल प्रिंटर की। सीरियल प्रिंटर में पहला आता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा आता है डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे आपका ये भी दिखा देती हूँ मैं डायग्राम आपको, लाइक दिस, ये आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हमारे स्कूल में भी है ये, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर मोस्ट कॉमनली यूज सीरियल प्रिंटर होते हैं, जैसे नाम से करता है, इसमें डॉट्स लगी होती है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। मूव मतलब ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मूव करता रहेगा, ठीक है। आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स होती हैं, कैरेक्टर्स इसमें ऑटोमेटिकली प्रिंट होते रहते हैं। और जो ये इसकी जो स्पीड होती है, बेसिकली 30 to 550 CPS मीन्स कैरेक्टर पर सेकंड, इतने में ये प्रिंट करता है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता है और नॉइज भी करता है बेसिकली, बट ये बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट ऑब्टेन इज अ पुअर, मतलब जो इसका जो प्रिंट निकलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ठीक है, लेकिन चीप है तो इसलिए इसको लोग परचेज कर लेते हैं। स्पीड वैसे फास्ट है इसकी कार्बन कॉपी, लेकिन जो इसकी प्रिंटिंग होती है वो डाउन होती है। फिर बात करें डेजी व्हील की। देखिए जैसे डेजी व्हील का फ्लावर होता है, सेम ऐसी ये डेजी व्हील है आपका प्रिंटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर क्वालिटी प्रिंटर, दिस प्रिंटर एंटायर्स कैरेक्टर एट अ टाइम रादर देन डॉट्स, सेम ऐसी डॉट्स की जगह इसमें क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर्स छपे होते हैं। और ये आपके डेजी व्हील मतलब जो फ्लावर होता है उसकी शेप में होता है, एक बार में सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 90 CPS होती है, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड होती है। और जो इसका भी प्रिंट का जो स्टैंडर्ड है, वो एक तरीके से टाइपराइटर की तरह है, जैसे पहले टाइपराइटर यूज होते थे ना, उसकी तरह ये टाइपराइटर की तरह है, ठीक है।
और साइज इसका जो फॉन्ट है आप चेंज कर सकते हैं व्हील के अकॉर्डिंग कि आपको छोटा रखना है बड़ा रखना है, क्योंकि डेजी व्हील नाम ही ऐसा दिया हुआ है। क्लियर। फिर बात करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेटा जो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिजिकल कॉन्टैक्ट किसके बीच में नहीं होता, प्रिंटिंग हेड मतलब मैं दो चीज़ें बताती, एक तो हेड होता है एक सरफेस होता है, उन दोनों के बीच में कोई भी आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसीलिए ये नॉइज़ नहीं करते, ठीक है, और ये नॉइजलेस होते हैं। क्लियर। और अधिकतर प्रिंटर लोट ऑफ पेजेस पर मिनट जो आजकल आप प्रिंटर यूज़ करते हो नॉन इम्पैक्ट होते हैं कॉलेज वगैरह में जो होते हैं, और ये एक टाइम पर बहुत सारे पेजेस आपके प्रिंट कराकर दे देते हैं। और बेसिकली जो इसकी कैटेगरी है ये तीन तरीके का होता है, थर्मल, इंकजेट और लेज़र, तीन तरीके का होता है। इनकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं देखो थर्मल की, दिस इज योर थर्मल प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर्स आर थर्मल प्रिंटर आर फॉर्म व्हेन हीटेड एलिमेंट्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से जैसे चलता है ये, तो ये इम्पैक्ट जो सेंसिटिव पेपर मतलब जो इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है, वो अच्छी होती है वैसे, और 5x7 के फॉर्म में होता है पेपर। और ये बेसिकली थर्मल प्रिंटर नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि द थर्मल प्रिंटर पेपर ट्रेंड्स टू डार्कन ओवर टाइम ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट एंड हीट, मीन्स जितनी उसको सनलाइट या हीट मिलती रहेगी उतना पेपर इसमें क्या होता रहेगा, डार्क होता रहेगा। बैटरी बैकअप इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर आप कॉलेज में यूज़ करते हो, इंकजेट प्रिंटर लाइक दिस, कलरफुल पिक्चर आप इसमें निकाल सकते हैं, कलर्ड पिक्चर, और इस ये भी नॉइजलेस होता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। 400 dpi डॉट्स पर इंच ये क्या करता है, प्रिंट करता है। क्लियर। उसके बाद लेज़र प्रिंटर जो आप यूज़ करते हो, ये भी लाइक दिस, दिस इज़ योर लेज़र प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट लेज़र बीम टेक्नोलॉजी एंड ड्राई पावर इंक फॉर प्रिंटिंग, मीन्स इसमें इंक कम से कम लगती है, ड्राई टाइप होती है, ठीक है, कम्प्लीटली चार्ज होता है और लेज़र बीम की तरह यूज़ होता है ये। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो प्रिंटिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, A4 साइज पेपर यूज़ कर सकते हो जो, और गुड क्वालिटी होती है, ग्राफिक्स निकाल सकते हो, पर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मार्केट में ये अवेलेबल इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है क्या आपका लेज़र प्रिंटर। तो बेसिकली यही आपके प्रिंटर की आपकी कैटेगरीज हैं, और ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, शॉर्ट में ही मैंने आपको बताया है, तो बस इतना ही आपको करना है। बाकी प्लॉटर मैं बता ही चुकी हूँ, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लैट बैग ड्रम प्लॉटर ये नहीं आता। स्पीकर पता है आपको, डिवाइस आपकी साउंड प्रोड्यूस करता है, स्पीकर कल मुझसे बच्चे ने पूछा था मैंने बता दिया था, ठीक है। साउंड परफ्यूम को आता है, गुड क्वालिटी होती है, लैपटॉप वगैरह होते हैं उनमें लगा हुआ आता है, ये लैपटॉप से अरेंज कर सकते हो, इसको अटैच कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइस होती है ये, ऑडियो वीडियो दोनों में काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद रोबोट मशीन आपके में दे रखा है, रोबोट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और तो ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई थी प्रिंटर की, वरना आप मुझसे कहते हैं मैम ये वाला बता दीजिए वो बता दीजिए, इसलिए खाली मैंने आपको ये प्रिंटर की बस वीडियो दी है। उसके बाद एक जो आपका रह गया था OMR OCR जॉयस्टिक, वो मैं बताई चुकी हूँ, और अभी आपको मेरे को जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ना तो उसमें वो कवर हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे को सिंपली प्रिंटर ही बताना था, और बाकी आपको जैसे जैसे चैप्टर्स होते रहेंगे, स्टार्ट अभी किया है तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया करे तो अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे सेफ एट योर होम।